मुख्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विश्राम गृह में रुके 8 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि फर्जी आईडी के आधार पर सभी लोग वहां रुके थे। कलेक्टर ने निर्देश पर उक्त कार्यवाही की गई। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां रुकने वाले मधुसूदन ने उन्हें बताया कि वह अमरकंटक जा रहा है और विश्राम गृह में रुकना चाह रहा है, जिसके बाद उन्हें अनुमति दी गई। उन्होंने अपना परिचय लाल बहादुर प्रशिक्षण संस्थान का ट्रेनर होना बताया। उनके रुकने के बाद जब जानकारी लगाई गई तो पता चला कि रुकने वालों के द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह से गलत है, जिसके बाद कलेक्टर ने स्वयं 8 लोगों को पुलिस के हवाले किया, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। पूरा मामला फर्जी आईडी के आधार पर विश्राम गृह में रुकने का था। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये लोग कौन थे और किस मकसद से फर्जी तरीके से यहां रुके हुए थे। प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, यदि वैसा कुछ सामने आता है तो उसके अनुसार और कठोर कार्रवाई होगी। बट जो इम्पर्सोनेशन, जो अपना गलत परिचय देकर के सुशासकीय सुविधाओं का उपयोग करने की कोशिश की इन्होंने, वो उस टू से द लीस्ट मतलब फ्रॉड तो है ही, और उसकी तो FIR वर्तमान में दर्ज कराई जा रही है।